जिस स्टेयर केस से, उस सर्कुलर स्टेयर केस थी, इसमें क्या होता है कि जो आउटर साइड का पेरीमीटर ज्यादा होता है तो वहां पर जो ट्रेड होगा ना, ट्रेड की चौड़ाई उधर के साइड में, बाहर के साइड में ज्यादा होगी और अंदर के साइड में कम है। और जब इसकी मेसनरी वर्क करते हैं या जब इसका डिजाइन करते हैं ना, तो प्रॉपर पहले फ्लोर पर ही पूरा सर्कुलर जिस भी रेडियस का वो होगा उसको बना लेते हैं और उसी के हिसाब से चिनाई करते भी आते हैं। और ये मतलब हर कोई नहीं बना पाता, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी हम नीचे बात कर रहे थे कि फॉर्म वर्क सटरिंग क्या होता है, हम ऊपर आ गए, इसी को प्रॉपर लेवल इसका चेक करना पड़ता है। तो चेक करने के लिए इन बारों पर जो हमने लेवल ट्रांसफर कर दिया था ना, जो लेवल ट्रांसफर कर दिया था, अब हर पॉइंट पर वही मेजर करते हुए जाते हैं। अगर स्लैब के ऊपर मेजर कर रहे हैं तो स्लैब का थिकनेस जो हमने 500 mm लिया तो उसमें ऐड करने के बाद प्रॉपर पूरे हर पॉइंट पर चेक करेंगे। अगर एक लेवल में हमको रखना है तो अगर इसी में स्लोप देना है तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब बीम का बॉटम चेक करना है तो बीम के बॉटम के लिए जैसे 500 mm हमने ले लिया, 300 mm ये हो गया, तो 800 mm हर पॉइंट में मिलना चाहिए। पूरा शुरू में पूरा धागा बंधा होगा, नहीं तो आउटर लेवल की मदद से भी इसका लेवल हम चेक कर सकते हैं, वो आगे क्लास में आप लोग सीखेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि ये कॉलम की, ये आप लोग को दिख रहा होगा कि ये अल्टरनेट जाए तो क्या बार आधा ऊपर आधा नीचे कटा हुआ है, तो इसको अल्टरनेट बार कटिंग बोलते हैं। आप लोग भी भैया देख लो, और ये अल्टरनेट बार कटिंग जो होता है करने का पर्पज ये होता है कि जब हमको पूरे कॉलम की कास्टिंग, अगर तीन मंजिला चार मंजिला का अगर हमको कास्टिंग करना है तो एक ही बार हम पूरा नहीं बना सकते, हमको जो है ना प्री डिजाइन जो है हमको जो है लैब देना पड़ता है, जो पहले से डिसाइड हम खुद करते हैं जानबूझ करके। और जिस भी पार्ट में हम जॉइंट देते हैं वहाँ पर जॉइंट देने का मतलब ये है कि वो सेक्शन कमज़ोर हो गया है, तो जो 50% से ज़्यादा बार होंगी एक ही लेवल में सभी को हम ज्वाइन नहीं देते हैं, 50% बार जो होगा ये 1 meter से लेकर के 500 mm का हाइट पर हम लैप देते हैं, ओवरलैपिंग कराते हैं। और जो लैपिंग हमारा जोन होता है, ये देखो जंक्शन होता है, ये जंक्शन वाले पार्ट में बीम जो है इस कॉलम के कॉलम पर लोड ट्रांसफर करेगा, यहाँ बीम कनेक्टेड है इससे इस कॉलम से, तो यहाँ पर जो होगा जर्किंग लोड होता है। तो इसलिए कभी भी तुम लोग को ध्यान में बात रखना है कि जंक्शन के पास तो कभी भी लैप नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो लैपिंग का हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो L/4 होता है। सर, अगर जैसे बीम आएगी तो बीम वाली जो सरिया होगी क्या इसमें ऐसे बेंड कराया जाएगा? हाँ, इसमें बेंड पूरा डेवलपमेंट लेन जो हमारा होता है उस प्रॉपर इसमें दिया जाता है। अब देखो जो हम लैपिंग देते हैं, मान लो कि ये हमारा इसके ऊपर भी कुछ फ्लोर बनेगा, जो इसके ऊपर जो फ्लोर बनेगा उसकी कुछ हाइट होगी, तो क्लियर स्पान लेते हैं एक बीम के टॉप से लेकर के ऊपर के बीम के बॉटम तक का जो डिस्टेंस होता है उसका L/4 डिस्टेंस छोड़ने के बाद ही बीच में हमको लैपिंग देनी पड़ती है, ना कि जंक्शन के पास में, क्योंकि लैपिंग देते हैं तभी हमारा ये सेक्शन जो होता है कमजोर हो जाता है। तो और एक ही जगह पर अगर जॉइंट दे दिए तब तो दिक्कत हो सकती है, जब लोड आएगा उसको ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए 50% बार जो होगा एक लेवल में होगा, उससे 50% बार जो होगा दूसरे लेवल में होगा। और ये जो आप देख रहे हो ना, इसको लेटरल टाई बोलते हैं, लेटरल टाइज जो होती हैं इस बार को एक पोजीशन में बनाए रखने का काम करती है। जब ऊपर से लोड आएगा तो इसको क्रश करने की कोशिश करेगा, और अगर ये लॉन्ग कॉलम या मीडियम कॉलम है तो बकल करने का कोशिश करेगा। तो जब बकलिंग करता है तो ये बाहर ये बार है ना कॉलम से बाहर भागने की कोशिश करता है, तो उसको प्रॉपर बांध करके रखने के लिए लेटरल टाई लगाते हैं। और ये जो लेटरल टाई है इसमें आप देख सकते हो कि 4-leg stirrup है। 4-leg stirrup कैसे, देखो 1, 2, 3, 4 4-leg stirrup है ना, और इन दो बारों को यूज करने के लिए भी एक स्टिरप यहाँ पर लगाया गया है। इसको ध्यान से देखोगे तो देखो ये पूरा जो है ना ये मास्टर रिंग है, ये बाहर की साइड में ये पूरे बार को बांध करके रखा है, फिर इन दो बारों को बांधने के लिए यहाँ पर ये लगा हुआ है स्टिरप, फिर इन दो बारों को बांधने के लिए यहाँ पर स्टिरप लगा हुआ है। इतना क्लियर है ना। और देखो इसके इस बार का डिटेलिंग चेक करने के लिए किस ग्रेड का बार है, किस डाया का बार है, यहाँ पर प्रॉपर मेंशन रहता है। यहाँ पर आप दिखाओ इधर, यहाँ पर आप देख सकते हो 500D लिखा हुआ है। 500D का मतलब होता है कि डी जो इसके डक्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि कितना डक्टाइल है, और 5 जो होता है ये ग्रेड को बताता है, उस स्टील के ग्रेड को। ये जो होता है यील्ड स्ट्रेंथ हमारा होता है, Fe 500 होता है ना, Fe 415 होता है, Fe 250 होता है,
हाँ, तो ये जो होता है हाई हील डिफॉर्म बार भी इसको बोलते हैं, एच वाई एस डी बार, और एच वाई एस डी बार में भी टी एम टी बार आती है, हाँ, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। टी एम टी बार क्या होती हैं, उसमें क्या होता है ना कि इसका एक कोर होता है और एक बाहर का कवर होता है। तो कोर जो होता है डक्टाइल टाइप से होता है और बाहर का जो सरफेस होता है वो हार्ड होता है। तो जब कभी भी इस पर लोडिंग आएगा तो बाहर का सरफेस तो उसको झेल रहा है, और लेकिन मान लो कि जो डिजाइन लोड उससे भी ज़्यादा लोड आ गया, तो एक टाइम पर जब ये ब्रेक करेगा ना तो ब्रिटल फेलियर नहीं होगा, ये जो बार है खिंच जाएगी, टूटेगी नहीं वो, मतलब अगर ये ब्रेक होता है कभी कॉलम तो तुमको वार्निंग कर देगा पहले ही। अगर पूरा अगर ब्रिटल रहता तो एक ही बार जो है पूरा गिर जाता तो कोई वार्निंग नहीं मिलती, तो जान माल की हानि ज़्यादा हो सकती थी। इतना सब क्लियर है ना? जी सर। अब इस साइड में आप देख सकते हो कि ये वाला जो संकेन स्लैब बनाते हैं ना उसके लिए प्रॉपर शटरिंग की गई है। संकेन स्लैब में क्या होगा कि देखो यहाँ पर बीम का रेनफोर्समेंट आएगा, बीम का रेनफोर्समेंट आने के बाद ये जो हमारा संकेन स्लैब है उसके बॉटम में रेस्ट होगा, और ये जो स्लैब है इस बीम के टॉप पर रेस्ट होगा। और कभी भी जो जो हम जो स्लैब में हम रेनफोर्समेंट बिछाते हैं इसमें ना वो स्ट्रेट बिछाते हैं, उसमें कोई किसी प्रकार का बेंड नहीं होगा। अगर वो वाल पर या बीम पर रेस्ट कर रहा हो तो बिल्कुल स्ट्रेट ही रहेगा, ना कि बीम पर जाने के बाद उसको बेंड कर दिए, करने का पड़ता है तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन होने की वजह से जो हमारी बीम होती है वो लेटरल फोर्स के लिए डिजाइन नहीं होती है, वो सिर्फ वर्टिकल लोड को बियर करने के लिए, ट्रांसवर्स लोड जो इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर लोड आ रहा है उसको बियर करने के लिए हमारी बीम डिजाइन होती है। मतलब मेन बीम जो है वो इसमें ऐसे बेंड कराई जाएगी, अगर इसके लिए जो स्लैब का रेनफोर्समेंट उसको सिर्फ रेस्ट करेगा, एकदम सीधे चली जाएगी, हाँ वो सिर्फ रेस्ट करेगा बीम के ऊपर, कॉलम के अंदर से जाते ही वो बीम पर सिर्फ रेस्ट हो जाएगी, उसमें किसी प्रकार का बेंड नहीं देते हैं। इतना सब क्लियर है ना? और देखो अभी यहाँ पर पूरा फॉर्म वर्क हो गया ना, तो इसमें देखो ऑयलिंग ऑयलिंग वाला भी वर्क हुआ है। तो शटरिंग रेनफोर्समेंट बिछाने से पहले ऑयलिंग कर देना होता है, क्योंकि जब हम रेनफोर्समेंट कर देते हैं ऊपर से तो ऑयल लग जाता है हमारे बार में। जब बार में ऑयल लग जाएगा तो उस टाइम बॉन्डिंग अच्छे से नहीं बन पाती है कंक्रीट और स्टील के बीच में, और इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो वीक रहेगा, वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगा।